नमस्कार, मैं हूं ज्योति बघेल। बीवीएम न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए बात करते हैं फरीदाबाद की। दिखाई दे रहा है नज़ारा बल्लभगढ़ नेशनल हाईवे का है, जहां ऑटो चालक की मनमानी के कारण जाम की स्थिति बनी रहती, जिससे कि लोगों को जाम में फंस जाने पर काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वहीं जब लोगों से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि अगर पुलिस प्रशासन चाहे तो नेशनल हाईवे पर लगने वाले जाम को कंट्रोल कर सकती है, लेकिन वह इग्नोर कर देते हैं। जहां ऑटो वालों का मन करता है वहीं खड़े हो जाते हैं, जिससे जाम लग जाता है। और ऑटो को चलाने वाले चालक ज़्यादातर नाबालिग होते हैं, उनके पास ना तो कोई ऑटो के डॉक्यूमेंट मिलते हैं ना ही लाइसेंस। सामने पुलिस बस अड्डा चौकी है और जाम को खुलवाने के लिए सिपाही तैनात रहते हैं, फिर भी जाम की समस्या ऐसी ही बनी रहती है। अपनी मनमानी करते हैं, यहाँ कितनी मीटिंग हो जाए उससे कुछ नहीं फर्क पड़ता। समस्या आती होगी, कैसे जाम जाम लग जाता है घंटों, एम्बुलेंस भी फंस जाती है, पुलिस की गाड़ियाँ भी लगे हैं। सामने पुलिस चौकी भी है, पुलिस चौकी कुछ नहीं करती, पुलिस चौकी अपने नाम की चौकी है, कोई समस्या कोई समस्या नहीं है। मेन मकसद है रोकने का, अगर चाहे तो पुलिस जाम को कंट्रोल में कर सकती है, लेकिन वो इसको देखते नहीं, बावजूद इग्नोर कर जाती है। यहाँ पे जितनी भी रेडियां लगी हुई हैं इनसे सबसे हफ्ता वसूल होता है, कोई किसी से टायर जाता है, जहाँ ऑटो वाला का मन करता है वहाँ ऑटो खड़ा हो जाता है। इधर आप देख सकते हो पूरी मार्केट में बाइक वालों को छोड़ के रेडियो पे ज़्यादा फोकस रहता है, क्योंकि छोटे छोटे 15-16 साल के बच्चे में बाइक चलाते हुए देखा था, रोड पर एक्सीडेंट हादसे होते हुए खाली ऑटो वाले की वजह से। सिंगल सवारी ने हाथ दिया नहीं, ऑटो वाले ने पीछे नहीं देखेगा, शीशे में कोई आ भी रहा है तो साथ के साथ ब्रेक ले देगा वहीं की वहीं। बताओ गलती किसकी रही, प्रशासन की। लाइसेंस की आप बोल रहे थे, 100 में से 50% बच्चों के पास लाइसेंस है, 50% नहीं है। अप्लाई करने के लिए करता भी बंदा टेस्ट क्लियर नहीं कर पाता है, उसका चार्ज भी इतना बढ़ा दिया है कि नॉर्मल बंदा तो देखो फिजिकली नहीं कर सकता। और आप इस चीज़ को नोटिस कर ही सकते हो, आप 4 रुपये अपना घुमा के देख सकते हो कि आप एक सिंगल बाइक तो निकल सकती है, लेकिन मुझे गाड़ी का रास्ता दिखा दो, कहीं से पूरी गाड़ी का रास्ता निकल जाए, पूरे ही बल्लभगढ़ फ्लाई ओवर मेट्रो पे। और जबकि एक मेट्रो स्टेशन आप जानते हो कि ऐसा होना चाहिए, बल्लभगढ़ का ही एक ऐसा मेट्रो स्टेशन है जहाँ पे इतनी गंदगी और इतना वो है। अन्य बाटा पे देख लो, नीलम चौक, अजरौंदा, मेवला, महाराजपुर, ऑल मेट्रो स्टेशन पे देख लो जाम खुला रहता है, क्लियर बिल्कुल। हाँ बस का है, बस अपना स्टैंड अलग रहता है, उनका रूट से हमें कोई मतलब नहीं है। कि मंचा जहाँ सवारी उतारने खड़े कर दे, ऑटो वाले सबसे बड़ी है इनके,